चावल मेरे यहाँ से होंगे। ओके, आपका एंसरिंग सारा कैमरे पे होगा। सबसे पहले तो नारी शक्ति टीम को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। 13 तारीख को रिलीजिंग है, आज म्यूजिक लॉन्च है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी कि इस मूवी को बनाने के लिए मैंने बहुत तकलीफ उठाई, तकलीफ के सामने आज मूवी को कंप्लीट करके आप लोग के सामने लाई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग आए और देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी। नारी शक्ति एक टाइटल है, नारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्या कुछ अहम बातें होंगी जो बताना चाहेंगे? इसमें ऐसा कुछ है जो सदियों से होता आया और आज भी है, जैसे कि लड़की और लड़के में हमेशा भेदभाव समझते थे, तो उसके ऊपर से मुद्दा है। कुछ ठोस बातें जिससे दर्शक आकर्षित हो इस मूवी की ओर, क्या कुछ ठोस? दुनिया बहुत आगे है, मैं कुछ क्या दिखाऊंगी, पर छोटी सी हूँ, बहुत छोटी सी गांव से हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश किया कि नारी जात को लेके पहले भी प्रॉब्लम थे, आज भी है, तो उसी को लेके मैं सोच रही कि कुछ आगे उनको अच्छा सुविधा मिले और आगे उनके लिए हर चीज़ का सामना हो, अच्छा हो इसके लिए। दर्शकों से क्या उम्मीद रख रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से 13 तारीख के दिन? मुझे दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग आइए और मेरी मूवी को देखिए और आप लोग पसंद करेंगे, मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है। थैंक यू। मैं इतना जानती हूँ ये जो पिक्चर है नारी शक्ति, इसमें इस लड़की ने बहुत अच्छा दर्शाया है और इतनी अपनी खुद की कहानी जो उस पर बीता है उस हिसाब से इसने बनाया है, सबको पसंद आएगी। हकीकत किसको नहीं पसंद आती, रियलिटी आजकल ज़्यादा, रियलिटी में ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और ये रियलिटी पर ही फिल्म है। और मैं तो जानती हूँ इसने इतना अच्छा ये किया है नारी के विषय में कि नारी किसी भी घटना में कभी कमज़ोर नहीं हो पड़ना चाहिए, ये मेरा खुद का ये मंशा भी है और मैं दुआगो हूँ इस बच्ची के लिए और हर नारी के लिए। मेरी यही हमेशा आशा रहेगी कि वही कोई भी संकट में नारी को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, पड़ना चाहिए। थैंक यू। नारी तेरी शक्ति अनोखी, यह पिक्चर जो बनाई है रीटा रॉय जी ने, ये पूरे देश भर में जो नारी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हजारों सालों से अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। और ये किस प्रकार का अत्याचार होता है, ये रियल स्टोरी इस पिक्चर में बताई गई है और ये रियल स्टोरी बताने का उनका एक मकसद वही है कि देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, नारी के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है और ये बताने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। ये माध्यम उन्होंने पिक्चर के जरिए अपनाया है और पूरे समाज को ये बताना चाहते हैं कि अभी भी इतने वर्षों के बाद में हजारों सालों से जो अन्याय हो रहा है वही उसके तरीके अलग अलग होते हैं और किस तरह के उन्होंने जो बताए हैं यहाँ पे इस पिक्चर में वो बहुत बढ़िया है और उससे इस समाज को कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा कि किस तरह ये नारी अत्याचार बंद होना चाहिए और वो बंद होने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सरकार ने, गवर्नमेंट ने और अपने समाज के लोगों ने कुछ करना चाहिए, यही उनका एक मकसद है बताने का। इसी के लिए यह नारी शक्ति अनोखी बताई गई है और हम लोग सब उनके साथ में हैं और ये अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, यही सभी का। आपका नाम जाना चाहिए? मेरा नाम राम जाधव, मैं एडिटर हूँ, हमारा प्रगत मराठा संपादक। नमस्कार, नारी के लिए सभी लोग जानते हुए आए हैं आजकल, क्योंकि नारी को कभी किसी ने भी ऊपर नहीं रखा। अगर घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो उन्होंने सिर्फ लड़के को ही
ऊपर रखा है और लड़की कुछ नहीं। इन्होंने इस मूवी के अंदर बहुत संघर्ष किया, बहुत ज्यादा, और ये मूवी में नहीं है, ये रियल लाइफ में है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने फेस किया है, जो उनकी अपनी आप बीती है, अपनी जिंदगी है, कि बेटे को इस तरह के संस्कार, बेटों के लिए इतना कुछ और बेटियां कुछ नहीं, ये उन पे खुद पे बीता है। और वो दुनिया को, इस समाज को यही बताना चाहती हैं कि बेटी भी ऊपर है और वो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटे कर सकते हैं। और इस मूवी को आप देखेंगे तो शायद मेरे बताने से ज़्यादा आप इसको देख के समझ पाएंगे कि मूवी क्या है, वो क्या कहना चाहती है। कहानी एक नारी के ऊपर है जो लड़की बचपन से और एक एज तक सिर्फ संघर्ष करती आई, माँ बाप के ताने, बाहर वालों के ताने, और किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। वो लड़की जो हमेशा लड़ते झगड़ते अपने एक ज़िंदगी के इस मुकाम पे पहुँची, वो नारी को बताना चाहती है। तो मैं वही एक बार फिर कहना चाहूँगी कि शायद मेरे बताने से ज़्यादा अगर आप लोग सब देखने जाएं तो शायद मूवी को जल्दी समझ पाएंगे और नारी के बारे में कि नारी क्या है। वो एक अच्छी कलाकार नहीं, वो एक अच्छे इंसान भी हैं। सबसे पहले वो अच्छे इंसान हैं, इसीलिए वो एक अच्छे इस तरीके से अपने आप को दर्शा पाई हैं। तो वो एक्टर से पहले एक बहुत अच्छे इंसान हैं। लास्ट में अपना नाम जी, मैं मीनाक्षी मल्होत्रा। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे नारी शक्ति के बारे में? वैसे तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि नारी शक्ति तो नारी शक्ति है ही, इससे कोई चीज़ कम नहीं आती है, ज़्यादा नहीं आती। नारी शक्ति हमेशा नारी शक्ति है, बगैर उसकी शक्ति के दुनिया में कुछ नहीं है। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि आदमी सुबह जागने से लेके और सोने तक हर जगह आपको नारी शक्ति नज़र आएगी। और मैडम रीता रॉय जी ने वो यही दिखाने की कोशिश की है, हालांकि मैंने तो इसमें छोटा सा रोल किया है मुनीम का, लेकिन असरदार रोल है वो, और बहुत ही अच्छी कहानी है इसकी, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी है, रीता जी ने काफ़ी पैसा खर्च किया है। कहने का मतलब यह है कि प्रोड्यूसर का जो है मेन जो मोटो था वो ये कि नारी में कितनी शक्ति है वो दिखाने का है इस फिल्म में। बाकी तो जितनी भी आज तक फिल्म नहीं है, जितनी भी बनी है, उन सब में नारी शक्ति कहीं ना कहीं नज़र आती है। तो इसलिए नारी शक्ति अपनी जगह पर है, और रीता जी ने बहुत अच्छी कोशिश की है, उनका प्रयास बहुत अच्छा है। और रीता जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, इसमें हीरोइन भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ वही हैं, हाँ, ऑल इन ऑल। तो ये बहुत बड़ी डेयरिंग की बात है, एक आदमी स्ट्रगल नहीं करना चाहता अपने डायरेक्शन में, अपने प्रोडक्शन में, खुद हीरोइन बन के उन्होंने पिक्चर स्टार्ट की है और बनाई है और रिलीज़ कर दी, यहाँ तक ले आना आज की इस महंगाई के दौर में, इतने क्राइसिस में फिल्म लाइन में, कि इस दौर में फिल्म को रिलीज़ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं तो ज़्यादा बन गया मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता था एक्टर बनना, मेरे तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि मुझे एक्टर पता नहीं लाइन ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि लोग मुझे एक्टर मानते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जिस स्थिति में हूँ आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा मिल गया है, ये ऊपर वाले का कर्म है, आप लोगों का सबका आशीर्वाद है, बुजुर्गों की दुआएं, और फिल्म लाइन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरी दाल रोटी बड़ी आराम से चल रही है, काम मिलता रहता है, अभी भी शूटिंग करके आ रहा हूँ मैं, तो मुझे अपने से कोई शिकायत नहीं है और किसी से कोई शिकायत नहीं है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, और इस तरह से ही चलने फिरने लायक रखे बस हमको, क्योंकि ये लाइफ जो है जब आदमी ओल्ड होना शुरू हो जाता है एक्टर, तो उसके सामने तमाम प्रॉब्लम आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। तो बस एक ही चीज़ मांगते हैं, काम तो मिलता रहेगा, नहीं मिलता रहेगा, लेकिन चलने फिरने लायक रहना चाहिए बस हमको, उससे दुआ करते हैं, इस तरह रखें। और मैं दुआ करूँगा कि मैडम इसी तरह से फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बनाएं, उसमें भी मुझे काम दें। हाँ, रीता जी से पूरी उम्मीद है मुझे। ओके, नमस्ते, थैंक यू, हरिओम। प्रोड्यूसर रीता रॉय को मेरा नमस्कार, और चैनल वालों को भी मेरा नमस्कार, डायरेक्टर साहब को मेरा नमस्कार। वो लोगों ने जो फिल्म बनाई है नारी के ऊपर, बहुत अच्छी और बहुत समझदार नारियों के लिए देखने लायक है। सब लोग ये पिक्चर जरूर देखें। और इसमें मैंने भी इसमें दाई माँ का रोल किया है छोटा सा, और रीता जी ने भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है। भगवान करे ये फिल्म बहुत जोरदार, बहुत अच्छी तरह से चले। रीता जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?
रीटा जी के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा मिला। बहुत मिलनसार औरत है, बहुत अच्छी लड़की है और ऐसा ही होना चाहिए। अपने रोल के बारे में कुछ बताना है? मेरा रोल इसमें शबनम कपूर की दाइमा का रोल मैंने किया है छोटा सा, और वो भी विरार में हुआ था। आपका नाम जाना? मेरा नाम जया खन्ना जी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं इस फिल्म में बहुत एक छोटा सा किरदार मैंने निभाया है। मेरा नाम वीना भट्टाचार्य जी है और इसमें मैंने मौलाना की बीवी का कैरेक्टर किया है। और नारी तेरी शक्ति अनोखी, ऑब्वियसली ये नारी लोगों के लिए ही बनाया गया है ये फिल्म। रीता जी ने इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को मतलब दिखाने के लिए कि नारी में कितनी शक्ति होती है, इन्होंने इस फिल्म को जिस तरह से निभाया है, डायरेक्ट किया है, इन्होंने खुद ये लिखी भी है स्टोरी, तो शी इज़ ऑल इन ऑल। उनके बारे में और क्या कहें, वी फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि बीइंग लेडी हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किया है। थोड़ा बहुत काम किया है लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि हमने उनके साथ काम किया है, और उम्मीद रखते हैं कि और नेक्स्ट फिल्म में भी हम लोग काम करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाई, थोड़ा अपना परिचय दे दें कि हम इंडस्ट्री में 1960 से आए थे और पली मिस्त्री, केकी मिस्त्री सबके साथ में हम कैमरे में भी मैंने काम किया है, डायरेक्शन में मनमोहन देसाई के साथ भी काम किया है, पहली पिक्चर हमने की है। और जब यह हमें मालूम पड़ा कि नारी शक्ति ये फिल्म बनाई है रीता जी ने, तो प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट भी की है और साथ में उन्होंने एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने जो एक इसके अंदर शक्ति पैदा करी है, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ थोड़ी कहानी बीती है, और जिसको मैंने बड़ी बारीकी से इस फिल्म के अंदर उतारा है अपने आप को। और इसको ज़रूर देखिए, और इस फिल्म के अंदर औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए जो उन्होंने एक महानता दिखाई है और नारी शक्ति दिखाई है, और सबको इसका मुकाबला करना चाहिए और देखना चाहिए कि नारी शक्ति महान होती है। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और मेरा नाम है इलाही बख्श है, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे डैडी बोलते हैं। हम खुद एक फिल्म बना रहे हैं बड़ी रहनुमा, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि ये फिल्म जरूर देखिए, नारी शक्ति। माजिद खान है, मेरा नाम माजिद खान है। इस फिल्म में मैंने एक गाँव वाले का रोल किया है। फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। मेरी विशेष उनके साथ है कि यह फिल्म सक्सेस हो, क्योंकि इन्होंने नारी शक्ति को दिखाया। आज जब पूरे देश में नारी का हनन हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे वक्त में ऐसी फिल्मों का आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस फिल्म को कामयाबी मिले ताकि आगे भी ऐसी फिल्में बनें। वैसे इस वक्त में अमिताभ जी के साथ फिल्म जो की है भूतनाथ रिटर्न, उसमें मेरा एक काम है। एक फिल्म आने वाली है पिज़्ज़ा, जिसमें मैंने भूत का रोल किया है, और एक फिल्म ओ माय गॉड फिल्म आई थी जिसमें एक छोटा सा रोल था लेकिन वो क्लिक हो गया। एडवोकेट हनीफ कुरैशी कहाँ रहते हैं, तो मैं सबको बताता हूँ कि एडवोकेट हनीफ कुरैशी, तंग आ जाता हूँ फिर एक बोर्ड लगा देता हूँ कि एडवोकेट हनीफ कुरैशी वहाँ रहते। इसके अलावा क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तारक मेहता का उल्टा चलो, बहुत सी सीरियल, बहुत सी फिल्में की है। इस बुढ़ापे में काम मिल रहा है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार प्रोड्यूसर लोगों को मैं बधाई देता हूँ और उनके लिए कामना करता हूँ कि यह फिल्म उनकी चले और फिर से ऐसी कोई फिल्म बने। थैंक यू वेरी मच।
ये जानना चाहते हैं कि ये फिल्म आपने क्यों बनानी चाहिए, ऐसे वक्त में आज की जनरेशन को क्या बताना चाहती हैं ये नारी देवी शक्तियों को बनाकर? ये दूसरा पार्ट है मीडिया के सामने। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू वेरी मच जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी और क्या दिखाऊंगी, आप लोग तो बहुत काफ़ी समझदार हो। मैं सिर्फ बचपन से आज तक देखा है कि लड़की को लेके नीचा दिखाते हैं या हर जगह में उनको अपमान कराते हैं, पर नारी के बिना ये दुनिया अधूरी है। अगर नारी नहीं है तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेंगे? पर आजकल जब लड़की पता चलता है कि पेट में है उनको अवश्य कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? भगवान तो ऐसा नहीं करते कि भेदभाव करते उनमें। भगवान अगर लड़का हो या लड़की हो दोनों को समान समझते हैं, फिर हम इंसान उनके साथ क्यों भेदभाव करते हैं? लड़का है तो उन्हें अच्छा कपड़ा दो, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। अगर लड़की है तो गरीब छोटा स्कूल देखेंगे, छोटे कपड़े पुराने कपड़े देंगे। क्यों करते हैं ऐसा इंसान? मैं बचपन से देख देख के थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने धन दौलत शहरत कुछ नहीं सोची। बहुत कोशिश से इस फिल्म को बनाते हुए मैं कोर्ट कचहरी कहाँ कहाँ नहीं गई। बहुत तकलीफ से इस फिल्म को मैं आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और आज जब रिलीज के वक्त आई है, मैंने अपने घर को भी मॉर्गेज में रख चुकी हूँ। तो आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर आइए और इस फिल्म को देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस आप लोगों से यही धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें और बाकी कलाकार जो काम कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश। देखिए जिस वक्त ये फिल्म बन रही थी तो क्योंकि प्रोफेशनल कलाकार है तो डाउट तो रहते ही है, पता नहीं फिल्म का क्या होगा, ठीक है बन रही है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नई प्रोड्यूसर है, नई डायरेक्टर है, नई हीरोइन है, हर आदमी नया है इसमें, हम भी इसमें एक तरह से ठीक है। लेकिन जिस तरह से रीटा जी ने हिम्मत दिखाई और इस पिक्चर को जिस तरह से कंप्लीट किया है, और मेरे इतने बड़े करियर में मैंने इतना हिम्मत वाला प्रोड्यूसर देखा नहीं। पे मास्टर बैकअप होने से पहले पैसा मिल जाते थे, हर तरह की फैसिलिटी थी, ज़्यादातर आउटडोर था तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो इन्होंने कमिटमेंट किया वो पूरा किया। और ये कहती थी आर्टिस्टों से, देखो मैं ये फिल्म को बनाऊंगी और रिलीज करूंगी, आप लोग डाउटफुल मत रहिए बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रीटा जी ने फिल्म को कंप्लीट करके आज यहाँ तक ले आई हैं। मैं इनकी भावनी के लिए, हिम्मत के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इनकी प्रशंसा करता हूँ। और राजेश मित्तल जैसे डिस्ट्रीब्यूटर इनके साथ हैं तो अभी कोई शक नहीं है कि ये फिल्म नहीं आएगी पर्दे पर। तो हम लोग सबका फर्ज बनता है कि मैक्सिमम इसकी पब्लिसिटी करें और ये फिल्म पर्दे पर आए तो हम सब लोग देखें। ये सबसे बड़ी मदद होगी रीटा जी के लिए और हम सब लोगों के लिए और हम कलाकारों के लिए। आप हमको देखेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, रीटा जी की तरफ से प्रार्थना करता हूँ और प्रोडक्शन की तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इस फिल्म को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म के बारे में अच्छा बोलें, जिससे कि फिल्म आगे बढ़े और अपने मुकाम तक पहुँच सके। इसके साथ ही मैं ज़्यादा न कहकर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और रीटा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे याद किया। इसी तरह से अपने कलाकारों को याद करती रहें, नेक्स्ट फिल्म में हमको काम दें, ये सबसे बड़ी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। पुष्पा जी से गुजारिश करूंगा कि वो दो शब्द आकर कहें इस फिल्म के बारे में, अगर नहीं आ पाएंगे तो वहीं से कहें। मैं चूंकि खुद ही नारी हूँ और मैंने भी जिंदगी की बहुत सारी हकीकतों से रूबरू भी हुई, मगर इस लड़की ने नारी शक्ति का नाम ही नहीं दिया, वो करके भी दिखा दिया। मैंने देखा है बहुत सारी उलझने इसके सामने आई थी, कभी कभी तो लगता था ये पिक्चर बन ही नहीं पाएगी, यहाँ तक कि मैं भी भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा पिक्चर बनी कि नहीं बनी या बनेगी कि नहीं बनी, पर इसने अपने शक्ति का परिचय दिया और इस फिल्म को पूरा किया और ईश्वर इसके साथ कामनाएं हैं। ये पिक्चर बहुत बहुत हिट होगी और हम सारे अपने देश प्रदेश की महिलाओं से आग्रह करेंगे कि वह फिल्म को देखें और सराहें और इसकी हिम्मत को बढ़ाएं।
शरण देती हूँ। पहली बार अच्छा काम किया। कैसे दे रहे आपने यार? बहुत अच्छी मौसी है मेरी, मासी जी। और क्या बताऊँ? मैं ही हूँ जो इसके साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। अब आपके मेरा नाम पृथ्वी जोशी है और मैंने इस फिल्म के अंदर इनके पिता का रोल किया है। ईश्वर गवाह है कि मैं जिस तरह का किरदार मैंने निभाया मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ, वो सिर्फ अभिनय है। प्लीज देख के गालियाँ वालियाँ मत दीजिएगा। और अभी अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, रमेश जी ने कह दिया, पुष्पा जी ने बहुत कुछ कह दिया। फिल्म बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आते हैं, हम लोग शूटिंग करते हैं, छोटी बड़ी सारी फिल्में करते हैं। तो जब ये फिल्म मेरे पास ऑफर आया तो बहुत लाइटली हमने कहा चलो ठीक है लेट्स डू इट। लेकिन जब कहानी पड़ी, शूटिंग शुरू हुई तो लगा कि बहुत अच्छी थीम है, बहुत हिम्मत वाली थीम है और ऐसी थीम पहले कभी देखने को नहीं मिली कि एक स्त्री एक नारी जो आप भी थी अपनी उसके ऊपर कहानी बना रही है। दैट वॉज वेरी एनकरेजिंग एंड बहुत खूबसूरत तरीके से उसको पेश किया गया। बहुत सारी मुश्किलें भी आई बीच के अंदर, शूटिंग रुक गई, शूटिंग होगी नहीं होगी, फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन वाकई में रीटा जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। इन्होंने जैसे तैसे करके ये फिल्म पूरी की और हम लोग जब डबिंग कर रहे थे तो उस वक्त कुछ भाग देखने को मिले फिल्म के, तो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और बहुत हिम्मत से इन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी हो और मैं मेरी तरफ से ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी मेरे सहयोग की इनको आवश्यकता हो मैं हमेशा इनके लिए तैयार हूँ, इसको प्रमोट करने के लिए जगह जगह पे कहीं पे भी जाने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस टू द फिल्म एंड रीडर। थैंक यू। ये मेरे बच्ची की जैसी है, मुझे अपने माँ के समान मानती है और मुझे तो लगता है इस फिल्म में इसने दुनिया की सारी नारियों की शक्ति इसी के अंदर है। अब देखिएगा जरूर, मैं यही सबसे दरख्वास्त करूँगी कि इस बच्ची की पिक्चर देखिए और सराहें आप लोग, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद। अब आप बुके दे दीजिए। यस 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 ओके। एक सेकंड, सीधी सबको मैडम, हाँ ये फेस दिखेगा, फेस दिखेगा।